It's very important here to keep in mind that hacking is an evolving concept. Your endocrine system and your nervous system together is the operating software. You can continue to expand your cognition and your intelligence throughout your life. It's a concept known as neuroplasticity. हमें अपने बॉडी के सॉफ्टवेयर को हैक करना है या हार्डवेयर को हैक करना है. एक ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स है जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमिटर्स. आजकल इसकी बहुत चर्चा हो रही है. हर मार्केटिंग गुरु डोपामीन की बात कर रहा है. डोपामीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवॉर्ड एंड प्लेजर. सेरोटोनिन ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमिटर है जो आपको एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, कामनेस देता है. नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर न्यूरोप्लास्टिसिटी. दीज मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमिटर्स आर डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन. स्पेशल अटेंशन टू दीज थ्री बिकॉज दीज आर थ्री ऑफ द मोस्ट हैकेबल न्यूरोट्रांसमिटर्स. टायरोसिन टू एल्डोपा, एल्डोपा टू डोपामीन, डोपामीन टू नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन टू एपिनेफ्रिन. व्हेन यू आर लुकिंग एट हैकिंग फॉर लॉन्जेविटी, यू आर प्राइमरीली गोना लुक एट सेल प्रिजर्वेशन. Peak performance. In peak performance, you will work with those systems which can help you think better or physically perform better. Or microbiome is a kind of a universe in itself. Or if I can manipulate neurotransmission, if I've got a set point for dopamine production, one of the simplest food-based nootropic I know of are MCTs.